वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बाहर देखो बिल्कुल नन्नी नन्नी बूंदे बारिश हो रही है। ये देखो गाइज, बरसो बादल तुम्हारी राह कब तक रहे। गाइज छोटी छोटी बूंदे हो रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग। 8:30 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है। हाँ 8:30 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है। बारिश हो रही है, देखो बादल गरज रहे हैं। बारिश आ रही है। बुआ कैसा लग रहा है आज का मौसम? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? मम्मी कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा, जैसा मैं चाहती थी वैसा। मैं भी ऐसा ही चाहती थी, जैसा मुझे चाहती थी, अच्छा लग रहा। गाइस वंश ना एक गाना सुनाएगा आपको। वंश, बरसो बादल बरसो बादल तुम्हारी राह कब तक रहे। आजा डांस कर, आजा आजा, बारिश हो रही है, घूम घूम घूम। बरसो, अरे ऐसे नहीं, उल्टा नहीं उल्टा नहीं, सही से ऐसे गोल, ये वाला हाथ पकड़ घूम। बरसो बादल बरसो बादल। बनी नहीं क्या अभी ढाबे की सब्जी? आज ढाबे की सब्जी में बुआ ने सूखी सब्जी में बनाई है गोभी। बुआ आलू नहीं डाले? आलू मना कर रहा था पापा ने। अच्छा, और बारिश है, कम काम हुआ तो आलू नहीं डालने। अच्छा बारिश में कम, हाँ फिर आती नहीं ना, बीच में बारिश आ गई तो कम आएंगे तो इसकी सब्जी बच जाएगी। हाँ फिर फैक्ट्री बचती है, कम सब्जी बनाई है। सही है, कम ही सही है। बारिश हो रही है ना आज, दो दिन तीन दिन मौसम ऐसी दिखा रहे बुआ, कम बनाई है। हाँ और दूसरी सब्जी के बनाई है, मैं देख के आती हूँ। ढाबे पे चली गई बुआ? चलो मैं देख के आती हूँ। ये देखो भाई दोनों को मार्केट कैसे जाएंगे? हैं मार्केट में। मम्मी फेवरेट दिन है आज तो, मार्केट मिस्त्री होना चाहिए, मार्केट बहुत जरूरी है। तो जाऊंगी चाहे बाढ़ आ, चाहे बाढ़ आ, मम्मी चाहे गुजर, मार्केट जाना बहुत जरूरी है। कल कुछ स्पेशल है क्या? मुझे भी पता है, कुछ स्पेशल है। कुछ सरप्राइज है जो कि हम बताने नहीं वाले हैं ना मम्मी। क्या पता है? बताइयो मत, अगर पता होगा तो। क्या क्या है बता बता, क्या है? मुझे तो पता ही है, बता क्या है बता, पता नहीं मुझे तो। गाइस ये देखो पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं वो ऑफिस के लिए। गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना भाई, ये देखो हवा चल रही है हल्की हल्की। कहाँ जा रहा है? नहाने? आगे देख ले। चलो सीधा फिर। वंश वंश ऐसे मौसम में तू और जतिन भैया और मैं कौन सा गाना गाते हैं? बरसो बादल वाला। हाँ गाइस इतना अच्छा मौसम है ना, ये देखो सब सब आ गए हम बाहर। मेरा मन कर रहा है बीच में खड़ा हो जाऊं, लेकिन गाड़ी वाले नहीं रुकेंगे ना, उड़ा के चले। गाइस ये देखो पापा ने ढाबा भी लगा लिया है और सुबह सुबह पापा बना रहे हैं चाय। ये देखो तो सुबह सुबह चाय बन रही है। तो ढाबे की दो सब्जी रेडी हो गई है, तो देखते हैं आज बुआ ने क्या बनाया है। तो ये बनाया बुआ ने छोले और आलू, और ये है दाल। ये देखो गाइस बुआ ने तड़का लगाया है ऊपर से दाल में गरम गरम। गाइस मैं तो पापा के ढाबे पे थी भाई, बारिश इतनी तेज हो गई, मैं भाग के आई हूँ, मेरा कैमरा गीला हो जाएगा। बच गई। ये देखो गाइस बारिश अभी इतनी धीरे धीरे से हो रही थी, लेकिन पता नहीं चलता था, लेकिन तेज हो गई। मैं पापा के ढाबे पे थी, मैं तेज में भाग के आई हूँ, मेरा कैमरा गीला हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ओह बारिश गाइस, इतनी गर्मी है ना इस बार, इतनी गर्मी पड़ी है। बारिश तो भाई इतना अच्छा लग रहा है, बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे मौसम में ना मन भी शांत रहता है, थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। चलो बुआ के पास चलते हैं। बुआ मैं देख आई ढाबे पे क्या बनाया है, छोले आलू और दाल। अच्छा गोभी की सब्जी रेडी हो गई, तो गोभी भी रेडी हो गई है भाई। तो अम्मा के लिए तो अभी रोटी बन रही है और वहाँ पे रखी है चाय बनने। बुआ हमारे लिए चाय बना रही है और हम जा रहे हैं ब्रश करने। गाइस अम्मा पता है कौन सा वाला व्यंजन करती है? वो ऑरेंज वाला, नमक मिला नमक मिला के। वो
रेड पेस्ट आता है ना उसमें का वो वाला होता है जैसे वो होता है पाउडर सा चलो गाइस जल्दी से ये देखो भाई कितना सा दिया है इसने मेरे को। चलो भाई ब्रश कर लेते जल्दी से बारिश आ रही है। ये पापा ने यहाँ पे टीन लगा रखी है ना तो यहाँ पे सही रहता है गीला तो मैं कर लूँ थोड़ा सा। खचर 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 मैंने तो कर लिया भाई मेरा भी हो गया रुक जा पहले मुझे करने दे मुझे करने दे यार हो गया ना पहले मेरा हुआ है पहले चला दे चला तू ही कर पहले कर भाई बहुत खराब है मुझे नहीं करने दे रहा है पहले। गाइस ये देखो प्राची तो सुबह सुबह बारिश में डांस कर रही है। गाना तो गा मैं गाऊ ये मौसम का जादू है ओ ये क्या हुआ चलो डांस करो ये मौसम का जादू है मितवा मौसम का जादू है मितवा काबू है मितवा मित्रो मम्मी का आता है चलो चलो एक्टिंग के 100 रुपए काट लो बस तू भी तो डांस करके दिखा आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी तो चलो गाइस अब टाइम है नाश्ता करने का और आज देखो बुआ ने नाश्ते में क्या क्या बनाया है। आज बाहर बारिश हो रही है ना तो आज बुआ ने पापड़ सेके हैं और ये है पूड़ी। हम सब ने नाश्ता कर लिया और भाई आज तो नाश्ते में मजा आ गया क्योंकि ये देखो गाइस अब भी बारिश हो रही है और आज बुआ ने पापड़ जो तले थे ना तो मजा आ गया भाई पापड़ और शापड़ खा के। अभी देखो मैं बर्तन बाहर लेके आई हूँ बुआ तुरंत ही किचन में आ गई है क्योंकि मम्मी और बुआ को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है खाने की पीने की तो मैं तो नहा के आ गई हूँ और दोपहर के ना गाइस 2:30 बज गया। क्या तेरे लिए सिर्फ रोटी बची है। हाँ तो अब हम दोनों लेट हो गए ना कि बुआ ने ना पूड़ी कम बनाई थी तेरे लिए पूड़ी नहीं बनाई थी नहीं पूड़ी तो सबके लिए थी लेकिन खत्म हो गई। वो क्या हुआ बंसल ने ना खिचड़ी बोला था हाँ दो दिन से मांग रहा था ना मुझसे पीली खिचड़ी हाँ जैसी मैंने तो खिचड़ी करके दी फिर ने देखा कि छोले बने और बंस को वो सोनू को पूड़ी खाता ना करा ये खिचड़ी रख दो वही दे दो छोले पूड़ी हाँ वो इसने खिचड़ी ढकवा दी अब इन तीनों ने पूड़ी खा ली। लेकिन मैं ये देखो भाई पूड़िया खा के मेरे लिए बचाई भी नहीं और कैसे लेट गए बेड पे दोनों। अब मैं बंस की खिचड़ी खा रही नमक दे जो हाँ पूड़ी खा ली सारी खिचड़ी क्यों नहीं खाई दो ही खाई तो खिचड़ी खाती इसने बंस ने मेरे लिए नमक वाली खिचड़ी रख दी इसने फिर नमक डाला है खिचड़ी में से खाई जा रही फिर भी मैं खा रही मजबूर क्यों खा रही हो नमक इसमें बहुत तेज है भाई छोले बुआ ने कितने टेस्टी बनाए हैं और साथ में रोटी खानी पड़ रही है और पूरी नहीं मिली आज मेरे को शाम को चावल बना दूंगी ऐसा करिए शाम को पूरी सिखो हाँ शाम को तुम्हारे लिए दाल चावल बना देती हूँ पूरी सिखवाइयो पूरी छोले से अपने लिए नहीं पूरी रहने दो मम्मी शाम को बनाना छोले तो रखे ही है और चावल हाँ पूरी बीमार हो भाई कितनी पूरी खाओगे पूरी अच्छी लगती है आज ही पूरी चाहिए पजामा दिख गया मेरे को मैंने आज इसको बोला था वंश तेरा पजामा फट रहा है अब तो दिख गया। बुआ ने ना छोले इतने टेस्टी बनाए थे कि आज मैं वैसे मैं 2 रोटी खाती हूँ लेकिन आज मैंने ना 3 रोटी खा ली भाई मजा आ गया। बाकी गाइस आज है मेरा फेवरेट दिन तो आज है थर्सडे मार्केट और कल है कुछ स्पेशल कल भी है और परसों भी है कुछ स्पेशल तो वो मैं आपको जो कल स्पेशल है ना वो मैं आपको कल ही बताऊंगी कि क्या है बता दूं नहीं बताना नहीं है एंड
एन नी नी हट हट हट। तो गाइस शाम के 4 बज गए और अभी हम पी रहे चाय। तो रात के 8 बज गए हैं, मैं तो मार्केट से आ गई हूँ। बाकी गाइस बाहर का मौसम देखो कैसा हो रहा है। गाइस ये देखो आसमान में ना एक भी तारा नहीं दिख रहा है और हल्के हल्के ना काले से बादल हो रहे हैं। वो दिखो भाई एक तारा मेरे को, ये देखो गाइस ये रहा एक तारा, ये दिख गया। तो चलो मम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं आज मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। क्या बनाया मम्मी दाल दिखाओ दाल। ये इतना बड़े पतीले में क्या बनाया मम्मी दाल। लाल मसूर की। ओ बेटे आज तो मेरी फेवरेट दाल बनी है। मम्मी कल का क्या प्लान है? कल ही बताएंगे। कल है कुछ स्पेशल और परसों भी स्पेशल है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना ऐसे क्या चीज है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, वो मम्मी और पापा से रिलेटेड है, तो आप बताना कमेंट्स बॉक्स में क्या हो सकता है। तो गाइज अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।